हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसिस ट्रेडर। तो यहाँ पे देखो, हमने फुल अमाउंट का ट्रेड लिया है, तो उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे देखो एक मोमेंटम था, एक लेवल थी, उसको ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई, तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट था विथ मोमेंटम था, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रेकआउट विथ मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पे पीछे मोमेंटम होना चाहिए, तब वो ब्रेकआउट हम लोग, तो ठीक है मैं मानता हूँ, चलो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेंजिंग में चल रहा है। मार्केट मार्केट में जो भी यहाँ पे आप देखोगे, तो कोई ऐसा एक्सट्रीम ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल वहाँ पे बन सकती है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या था, वो मैं आपको बताने वाला था कि जो जो हमने लेवल बनाई थी, ये लेवल कहाँ पे देख के बनाई हमने, हमने बनाई यहाँ पे 5 मिनट में जाके लेवल बनाई। देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री यहाँ से हुई थी, मार्केट ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, फिर देखो मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया, फिर उसको रिस्पेक्ट कर दिया, उसके बाद क्लोजिंग भी उसके नीचे हो गई। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर उसके लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मतलब वो कोई तो लेवल है, उस बेसिस को देगा। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया सेलर साइड, वो क्यों लिया, उसका रीजन मैं आपको बताने वाला, ठीक है। और इतने श्योर किसके की मैंने पूरी अमाउंट वहां पे लगा दी, उसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम था, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये देखो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती और फिर बायर्स की बनती, है ना। तो मैं मानता कि भाई मार्केट और ऊपर जाता, राइट। लेकिन क्या हुआ, देखो ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनने के बाद और एक सेलर्स कैंडल बनी, जो कि ये दर्शा रहे थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलिंग पावर मौजूद है, वहां पे सेलर्स मौजूद है। तो हम लोग अगर इस तरफ यहाँ पे एक लेवल बना देते, है ना, लेवल बना देते, तो मैंने क्या देखा कि पहले तो यहाँ पे बायर्स आए, बरबर, फिर जो बायर्स आए इसने ब्रेकआउट नहीं करा। अगर ब्रेकआउट करता ना, तो हम लोग बायर्स के लिए जाते, लेकिन उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, हमारे सेलिंग लेवल के नीचे हो गई, ठीक है। चलो सेलिंग लेवल के नीचे हो गई, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता तो हम लोग उसको नीचे का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्टार्टिंग से ही नीचे का ही ट्रेड बना रहा था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ट्रेड लेने को हुआ नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे वेट किया, और जैसे ही इस कैंडल ने एक डोजी फॉर्मेशन की और उसकी भी क्लोजिंग देखो इस लेवल के नीचे हुई, तो हमने यहाँ पे सेलर्स के लिए ट्रेड ले लिया। तो आपको समझना होगा कि जब भी कोई एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो आप ब्रेकआउट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, और उसके बाद अगर बायर कैंडल नहीं आ रही है, ओके, और आपका लॉस हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे तो मार्जिन सेफ्टी के साथ उसने रिजेक्शन दिया होता। अगर आपने मार्जिन सेफ्टी यूज की होती, तो ये ट्रेड आपका डेफिनेटली विन हो जाता, लेकिन मार्जिन सेफ्टी लेना बहुत जरूरी था। लेकिन बाय द वे, कभी कभी स्टार्टिंग में चले जाते हैं, तो कभी कभी उनका लॉस हो जाता है, मार्जिन सेफ्टी के साथ नहीं जाते, क्योंकि सेलर कैंडल फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन केस अगर ऐसी सेलर्स कैंडल फॉर्म हो जाती, तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो सेलर्स मौजूद है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और उसी बेसिस पे ट्रेड लेना है, जो भी आगे आपको ट्रेड लेना है, ओके। तो ठीक है, चलो अभी क्या हुआ, देखो वापिस से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बायर्स की एंट्री हुई, ओके, बायर्स की एंट्री हुई, लेकिन बायर्स की एंट्री होने के बावजूद मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, फिर उस पर कौन हावी हो गए, सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स हावी हो गए। सेलर्स हावी होकर उसको देखो पिछले रिजेक्शन को ब्रेकआउट करके नीचे अंदर आ रहा है मार्केट, जो कि ये दर्शा रहा है कि भाई ये जो ब्रेकआउट है कोशिश हुई, लेकिन वहां पे सेलर्स का पकड़ा भारी है, मतलब अभी भी मार्केट अभी भी नीचे जाना चाहता है। तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि देखो एक सडन मोमेंटम एक अलग चीज होती है, और मार्केट में हेल्दी फॉर्मेशन एक अलग चीज होती है। मतलब देखो एक कैंडल फॉर्मेशन है, उसके ऊपर और नीचे रिजेक्शन हो, तो मैं उसको हेल्दी कैंडल बोलता हूँ। ये आपने फ्री सेशन में भी देखा होगा ग्रुप के अंदर, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको एक्सप्लेन करा है कि अगर दोनों तरफ रिजेक्शन हो कैंडल के, तो वो कैंडल कैसी होती है, परफेक्ट होती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखो नीचे ट्रेड लेने का एक ही रीजन है, वो मैं रीजन आपको बता दूंगा। पहली बात तो यहाँ पे देखो ये बायर जो आए, ब्रेकआउट अच्छा था, ब्रेकआउट हेल्दी कैंडल का था। देखो ऊपर कैंडल के ऊपर रिजेक्शन है, नीचे भी रिजेक्शन है, हेल्दी रिजेक्शन था, तो ये कैंडल बनी। लेकिन ये कैंडल बनी कैसे, देखो नॉन रिजेक्शन कैंडल ऐसी बनी, नॉन रिजेक्शन कैंडल बनी। और उसने क्या बताया कि भाई बायर्स, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मार्टिंगल यूज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल वो हेल्दी बनी हुई है, ओके। तो हेल्दी मतलब मैंने क्या कहा था, हेल्दी कैसी होती है, हेल्दी ऊपर भी रिजेक्शन और नीचे भी रिजेक्शन,
बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर सकते थे, तो ऊपर सेलर्स लेवल थे, लेकिन एक हेल्दी कैंडल बनी इसलिए यहाँ पे बायर्स का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन वो ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? नॉन रिजेक्शन कैंडल, इसलिए मार्केट थोड़ा आगे नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद देखो सेलर्स की कैंडल क्या तगड़ी वाली बनी है, और जो भी सेलर्स की कैंडल बनी कि मैंने जैसे कहा कि ऊपर और नीचे रिजेक्शन है, मतलब वो कैसी कैंडल है, वो एक हेल्दी कैंडल, तो यहाँ पे सेलर्स आने चाहिए था। लेकिन सेलर्स आए नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे उसने बायर्स लेवल को, जो ये स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ से आए थे, उस लेवल को जैसे टच कर दिया तो मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। तो ऐसा होता है कभी कभी कि सेलर्स आना चाहते हैं, लेकिन नीचे अगर स्ट्रॉन्गर बायर्स लेवल होगी तो कभी कभी पलट जाते। लेकिन उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, मार्टिंगल यूज कर देना है, और वो जो भी आपका लॉस होगा उसको आपको रिकवर कर देना। थोड़ा सा देखो ये डिफिकल्ट मार्केट में आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या क्या चीजें समझनी है, कब क्या होगा। पहले हमने बताया कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट, अगर उसके बाद सेलर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल, ये आपको ध्यान रखना। जैसे मार्केट उस लेवल पे आएगा तो उसके विद मार्जिन सेफ्टी जा सकते हो, या फिर वापस से ट्रेड ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है विद हेल्दी कैंडल, तो वहाँ पे आप बायर्स के लिए जा सकते हो अगर मार्जिन सेफ्टी मिलती है तो। और अगर बायर जो भी जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वो उसका फॉर्मेशन इस तरह से हो, नॉन रिजेक्शन हो, और उसके बाद आपको ऐसे सेलर्स की बड़ी वाली कैंडल दिखती हो, डबल रिजेक्शन मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे सेलर साइड जा सकते हो। थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको बायर्स लेवल का, जहाँ पे उसको टच करने के बाद एक बायर्स की एंट्री हो सकती है, वहां पे आपका लॉस हो जाए तो मार्टिंगल लेना भूलना नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग रुकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है इसके अंदर जो क्रिटिकलिटी, मैंने आज 2 पॉइंट्स आपके कवर कर दिए, तो इसको ठीक से समझना और आगे जाके इसी बेसिस पे ट्रेड लेना। कभी भी आपको कोई वीडियोस के अंदर देखो, हमें कुछ ना कुछ तो मैं लाता रहता हूँ जो कि आपको आपकी नॉलेज रहेगी उसको इंक्रीज करता रहता है। ठीक है दोस्तों, यही पे हम लोग रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर।